नमस्कार सर। सर साहिब, क्या नाम है सर आपका? सर अखिलेश कुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं अखिलेश जी? सर बेसिकली मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ, बाकी पिछले 10 साल से मैं लुधियाना में हूँ और अभी लुधियाना में ही बेसिकली अभी जॉब कर रहा हूँ। क्या काम करते हैं सर आप? सर मेरा अपना बेसिकली डिज़ाइनिंग का काम है और शुरू से ही मैं डिज़ाइनिंग फील्ड में हूँ और भगवान की कृपा से मैं इसमें अच्छा पैसा अर्न कर रहा हूँ अभी। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने पिछले साल 2 अप्रैल 2017 को लिया है और उससे पहले भी मैं पूजा पाठ करता ही था, बट जो मेन भक्ति है जो मेरे को समझ में आया वो पिछले साल 2 अप्रैल से ही शुरू हुई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं काफ़ी भक्ति करता था। ये पूछे कि मैं क्या नहीं किया, जितने भी देवी देवता है उनके जो तीर्थ स्थान है वहाँ पर भी गया हूँ, बैजनाथ धाम गया हूँ जल चढ़ाने के लिए, ये मान्यता थी। हमारे जो बाप दादा हैं वो भी जाते आए हैं, हम भी वहाँ पर जाते रहते थे। उसके अलावा जो तीर्थ स्थान है, 9 देवियाँ हैं उनके भी तीर्थ पर गया हूँ। उसके अलावा घर पर भी जो पूजा पाठ होता था उनमें भी सम्मिलित होता था। जितने भी भक्ति करने हो, चाहे रामनवमी करने हो चाहे जन्माष्टमी हो, उसमें भी सहता था, भूखा रहता था और जो भी मन में मुराद होती थी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करता था। चाहे महाशिवरात्रि हो चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, उसमें बहुत श्रद्धा के साथ मैं पूजा पाठ किया करता था। और बेसिकली मैं, मेरे पापा जो हैं वो पूजा में ही अधिकांशतः विश्वास करते हैं, तो मैं भी उनको देखा देखी शिव जी को बहुत मानता था और शिव जी में मेरी भी आराधना बहुत ज़्यादा थी। इतनी थी कि कोई भी बात होता था तो मेरे मुंह से ओम नमः शिवाय का जाप अपने आप निकल जाता था और अपने मन को शांत कर लिया करता था। तो इसलिए पूजा पाठ में तो मेरा शुरू से ही बहुत रुचि था, बहुत विश्वास है और भगवान में बहुत ज़्यादा श्रद्धा था। और भगवान के विषय में मेरे को जानने का इतना प्रबल इच्छा थी कि मैं उसको लेकर के वेद पुराण वगैरह सारा मैंने खरीदा। मेरे पास नाम दीक्षा लेने से पहले से ये मौजूद थे, इन पर विश्वास था। मैं एक मंदिर है यहाँ पर लुधियाना में ही, घुमार मंडी में रहा करता था, तो वहाँ पर कृष्ण मंदिर है, तो वहाँ पर सुबह में जाना, 5 बजे के समय में जाना और सारा पूजा खत्म होने के बाद करीब 8:30 बजे वहाँ से लौट के आता था। और मुझे जो जानना था, जो जानकारी लेनी रहती थी, वो पंडित जी से मैं पूछता था, वो अपने स्तर का मुझे ज्ञान बताते थे। और मेरे मन में बहुत सारे सवाल हुआ करते थे कि जैसे कि सारे देवी देवता जो है वो भारतवर्ष में जन्म क्यों लेते हैं, या ये सतयुग में सारे जो था एक ही समाज था, जैसे कि सनातन धर्म हुआ करते थे, त्रेता में भी सनातन धर्म था, हिंदू ही हुआ करते थे, द्वापर में भी सारे सनातन धर्म थे, लेकिन ऐसा क्या कारण पड़ा कि सारे धर्म जो है वो एक सनातन धर्म जो है सारे धर्म में विभाजित हो गया? क्या कारण पड़ा कि कुछ हिंदू जो है ना कोई ईसाई बन गए, कुछ हिंदू जो है कुछ मुसलमान बन गए? इस तरह के बहुत सारे सवाल मेरे मन में थे और इन तरह के सवालों का जवाब पाने के लिए मैं बहुत पंतों में भी गया, जैसे कि राधा स्वामी पंत में भी गया और वहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन एराइजेस किए, बट मेरे सवालों का जो मुझे सवाल का जवाब चाहिए था वो मेरे को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। हालांकि राधा स्वामी पंत में जाने के बाद मुझे ये ज्ञान हो गया कि गुरु के बिना जो है ज्ञान नहीं होता है और वहाँ से मैंने काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन मेरे जो मन को संतुष्टि चाहिए थी वो संतुष्टि वहाँ पर नहीं मिल पाई। मैं उनको छोड़ के फिर मुझे जो है ना किसी मेरे कुलीग ने बताया, मेरे दोस्तों ने बताया कि एक पंथ है ब्रह्म कुमारी, वहाँ पर से जो है ना वो बहुत सारा साधना जो है नया साधना सीखने को मिलता है, नया चीज़ सीखने को मिलता है और जो पूर्ण परमात्मा उनके विषय में जानकारी मिलती है। तो मैं वहाँ पर ब्रह्म कुमारी में भी गया, करीबन 8-10 दिन मैंने वहाँ पर भी लगाया। वहाँ पर एक कोर्स होता है जिसमें जो है ना वो पूरी सृष्टि रचना वगैरह के बारे में बताते हैं, बट वहाँ जाने के बाद भी करीबन 3-4 दिन के बाद मुझे जब त्रेता युग और द्वापर युग के बारे में बताने लगे कि राम जी जो थे उनका जन्म नहीं हुआ, रावण एक कहावटी है, एक बनावटी किस्सा है, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने उनसे जो हमें ज्ञान दे रही थी उनसे मैंने चर्चा खत्म होने के बाद उनसे मैंने ये सवाल भी किया कि अगर राम जी नहीं हुए थे, त्रेता युग का कहानी अगर झूठी है, रावण अगर नहीं था, तो बताइए कि ये जो सागर में अभी भी कुछ पत्थर है जो उसके अवशेष जो है ना बहुत सारे मंदिरों में मिलते हैं, वो तैर रहे हैं, वो कैसे तैर रहे हैं, उस पर राम कहाँ से लिखा हुआ है, जरूर इसमें कोई रहस्य है। मैंने उनको लैपटॉप में जो है ना वो अपने डाउनलोड किया हुआ फोल्डर था उसको भी मैंने दिखाया, सारा दिखाया, तो उनका जवाब नहीं
मिलने के बाद वहाँ से भी मैं निराश होकर अपने घर आ गया, फिर उसी तरह से अपना साधना चलता था। मेरे एक दोस्त हैं जो बहादुरपुर रोड पर एक फैक्ट्री है, वहीं पर उन्होंने बोला कि आपका सवाल का जवाब शायद कुमार स्वामी जी के यहाँ मिलेगा। उस समय जिस समय की बात है उस समय कुमार स्वामी जी का प्रोग्राम जो है दिल्ली में चल रहा था, बट मैंने जो है ना वो मन तो बना लिया जाने का, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 महीने के बाद फरवरी में जो है ना वो लुधियाने में भी यहाँ पर वो सवाल के सामने एक फील्ड है वहाँ पर होनी है, तो मैंने सोचा कि वहीं पर देखूँगा। सर, जैसा कि आपने बताया आपने इतनी भक्ति साधना की, आपने राधा स्वामी पंथ से नाम उपदेश लिया, फिर आप ब्रह्म कुमारी पंथ में गए, फिर आपने कुमार स्वामी के पास गए, तो इन सब साधनाओं से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, इन सब से मुझे लाभ तो कोई प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं लाभ प्राप्त करने के व्यू से नहीं गया था। जो मेरे को कष्ट थे, शारीरिक कष्ट थे या धन से कमी थी या जो भी थी, उस चीज़ का तो भरपाई बाद में होता है। पहले तो मेरे मन को शांति चाहिए था, जो कि वहाँ पर जाके मिला नहीं, क्योंकि जो मेरे सवाल थे वह पहले भी उसी तरह के थे, और जिस समय मैं कुमार स्वामी जी के यहाँ से आया उस समय भी मेरे पास वही सवाल थे, तो सवाल तो उसी तरह खड़े थे। सो मुझे वहाँ से कोई लाभ नहीं मिला, ना ही मैंने मेरे को पहले के पूजा पाठ से भी कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे होने के बावजूद भी मेरे घर के बजट ऐसे थे कि मैंने एडमिशन नहीं ले पाया। मैं बीमार था, काफ़ी बीमारियां थी, वो भी मेरा ठीक नहीं हो रहा था। 20 साल से एक एलर्जी की बीमारी थी, अगर मैं रात में अगर एक सिट्रीजिन का गोली ना खाऊं तो दूसरे दिन ठीक भी नहीं हो सकता। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, मैं प्रॉब्लम्स गिनाने लगूं तो बहुत समय लग सकता है सर। सो मेरे को कहीं फ़ायदा नहीं हुआ। फिर सर, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, जब कुमार स्वामी जी के यहाँ मैं गया था, वहाँ से आने के बाद मुझे अपने फैक्ट्री में एक जहाँ पर मैं काम करता था वहाँ पर मेरे ही एक भाई थे जो वहाँ पर काम करते थे, उनका नाम सनी दास था। उन्होंने मुझे बताया कि एक गुरु है, एक ऐसे पुरुष हैं जिनका ज्ञान सुनने के बाद आपको सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। तब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे एक बुक दिया जिसका नाम था ज्ञान गंगा, और उस ज्ञान गंगा को मैंने पढ़ा। सिर्फ 18 पेज भूमिका से लेकर सिर्फ 18 पेज पढ़ा, तो मैं वहाँ से 10 दिन के बाद यहाँ आके मैंने नामदान ले लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको उन सवालों के जवाब मिले जो आप ढूंढ रहे थे? हाँ जी सर, संत रामपाल जी महाराज के पास के शरण में आने के बाद मुझे उन सारे सवालों के भी जवाब मिले, और उनके अलावा जो क्वेश्चन एराइज होते गए उन सारे सवालों को भी जवाब मिलते गए, क्योंकि उनका जो ज्ञान था वो विस्तृत रूप में और एकदम सुई की नोक से भी छोटी छोटी जो बारीक जो क्वेश्चंस होती हैं उन सारे क्वेश्चंस को क्लियर करती हुई मेरे मतलब कि अंतर आत्मा के जितनी भी क्वेश्चंस थी, जितनी भी सवाल थी, उसको जो है एक एक करके मैंने क्लियर किया। और मुझे लगता है कि वो जो ज्ञान बताते हैं, जो वेद पुराण जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जो जिसे हर घर में होना चाहिए, जिसे पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं है, सो उसे मैंने पढ़ा है। मैंने हर एक सवाल को, हर एक जो रामपाल जी महाराज हमें बताते हैं, वो सारे को मैंने एक एक करके गीता जी से या ऋग्वेद से मंडल 9 में जो उन्होंने जो जो बताया सारे को मिलाया, प्रमाण लिया। प्रमाण लेने के बाद मैंने सारा कुछ देखा कि सारा जो विधि है उनका, सारा जो पूजा है वो बिल्कुल सही है। पूर्ण परमात्मा को पाने का इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के शरण लेने के बाद मेरे को बहुत लाभ हुए हैं। हालांकि मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे शरीर में जो बीमारी है वो ठीक कभी होंगे, क्योंकि मैंने जिस दिन मैंने नामदान लेने का सोचा था उस दिन मेरे मन में सिर्फ इतना ही था कि मैं सिर्फ पूर्ण परमात्मा के पक्ष में जा रहा हूँ, उनके शरण में जा रहा हूँ, मेरे को वो भक्ति मिली है जिसकी मैं तलाश कर रहा था, मुझे वो क्वेश्चन के आंसर मिले, बस इस कारण से मैंने नामदान लिए थे। लेकिन 3 महीने जो एलर्जी से मैं 20 साल से परेशान था, जिसके पीछे मेरे माता पिता ने बहुत सारे पैसे लगा चुके थे, मैंने पटना में भी दिखाया, एम्स में भी दिखाया, यहाँ तक मोहाली में भी दिखाया और लुधियाना में भी कई साल तक मेरी दवाई चली है, लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि आपको डेली का एक सेट्रिजिन डेली खाना ही पड़ेगा। वो जो है सिर्फ उनके प्रथम नाम मंत्र 3 महीने जाप करते हुए हुए, और मैं डेली दवा खाता था। गलती से मेरे से भगवान की माली की कृपा थी कि एक दिन छूट गया और मैं कहीं चला गया था और दवाई लेना ले जाना भूल गया, तो वो क्या हुआ कि दूसरे दिन मेरे को एलर्जी नहीं निकला। फिर मैंने क्या किया, एक दिन बीच करके खाना शुरू कर दिया, उसके बाद 2 दिन गैप करके खाना शुरू कर दिया, उसके बाद 4 दिन गैप करके खाना शुरू कर दिया,
मेरी वाइफ ने कहा कि आप जो है ना इसको बंद करके देख लो। मेरी वाइफ के कहने पर मैंने एक बार बंद किया और उसके बाद आज तक मैं बिना दवाई के हूँ सर, लेकिन आज तक मेरे को वो बीमारी नहीं हुई। मैंने एक इसका लाभ और भी है कि मैं लुधियाना में अपने 3 साल पहले जॉब छोड़ के मैंने एक छोटा सा फैक्ट्री लगाया था। उस फैक्ट्री को चालू करने के लिए मेरे पिताजी जो है वो 1 लाख का उधार लेकर मेरे को दिए थे, जो कि 2 साल चलाने के बाद भी मेरा जो है ना सक्सेस नहीं हुआ और बहुत सारा पैसा डूब गया। मुझे तो यही पता लगा कि जितनी साधना मैंने पहले की थी उसका मेरे को भरपाई ही करना पड़ा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद जो मेरा 30,000 का जॉब था वो आज के डेट में करीबन 1 लाख से ऊपर हो गया है। उसके अलावा मेरे जितने भी कर्ज थे वो सिर्फ 1 साल के अंदर में सारे ख़त्म हो गए। मेरी शारीरिक सुख के बारे में बता दिया कि मेरा रोग मुक्त हूँ। मेरे घर में मेरी वाइफ है वो भी नामदान ले चुकी है और मेरा 6 साल का बच्चा है वो भी नामदान ले चुका है। सर, संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मगुरुओं को चैलेंज कर रखा है, आपको कैसा लगता है? सर, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मुझे जब से पता चला कि पूर्ण परमात्मा जो है वो 600 साल पहले कबीर जी के रूप में यहाँ पर आए थे और सारा ज्ञान दे के गए हैं, उसके बाद ही सारे पंथ चले हैं। उन्होंने क्लियर ये बताया हुआ है, अपने पूरे प्रमाण के साथ दिया हुआ है कि वो 12 जो पंथ हैं वो मतलब कि बिल्कुल इनके ऊपर बेस्ड है, बट वो बिल्कुल गलत है। और जितने भी महाराज हैं, जितने भी, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ या मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि उनके पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, निराधार बात है। जो भी घर में छोटी बड़ी जितनी भी तरह की पूजा होती है वो सारा वेद पुराण के अकॉर्डिंग होती है, मैं मानता हूँ। अगर भक्त समाज से ये मेरी क्वेश्चन है कि अगर वो पूजा पर विश्वास करते हैं जो वेद में लिखा हुआ है, उस पूजा के अकॉर्डिंग जो शादियाँ होती हैं या जो जितने तरह के छोटे मोटे बड़े जितने भी पूजा होते हैं अगर उसमें विश्वास करते हैं, तो उसमें ये लिखा हुआ क्यों नहीं पढ़ पाते हैं कि जो पूर्ण परमात्मा है वो कबीर साहब हैं, उनके बारे में, पूर्ण परमात्मा के बारे में जिक्र हर एक जगह किया हुआ, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो गुरु नानक देव जी का वाणी हो, चाहे वो अपने वेद हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे हमारे गीता जी हो, गीता जी के तो हर एक अध्याय में उनका वर्णन किया हुआ है। और सिर्फ हम लोग मानते हैं कि कृष्ण जी भगवान है, तो अगर भगवान है तो उनकी बात को क्यों निराधार किया जाता है? उनके द्वारा जो द्वापर युग में जो बोला गया था, हम लोग मानते हैं कि ये जो ग्रंथ हैं वो सिर्फ हिंदुओं का अधिकार नहीं, मेरे मानना है कि ये हिंदुओं का अधिकार नहीं है, ये हर एक धर्म का है, हर एक जाति का है। क्योंकि जब ये वेद पुराण और गीता जी का उपदेश दिया गया था उस समय कोई धर्म नहीं थे। सो मेरी हर एक समुदाय से भी ये अनुरोध है कि वो सारे ग्रंथ को पढ़ें, ये सिर्फ हिंदू का नहीं, ये मुसलमान का भी ग्रंथ है, ये सिख का भी ग्रंथ है, ये ईसाई का भी ग्रंथ है, और उनको एक बार देखें, उनको चेक करें कि हमारे जो पंडित लोग हैं, हमारे जो पुरोहित लोग हैं, वो अगर जो बता रहे हैं वो सही भी है या नहीं है। क्योंकि आज का समाज जो है वो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, तो इतना तो समझ रख सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। सो मेरे अनुसार से वो जो चैलेंज किए हैं बहुत सही है और ये काम बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, जो श्रद्धालु देख रहे हैं, मैं तो ऐसे बहुत छोटा आदमी हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं उनको कोई संदेश दे सकूँ, लेकिन उन लोगों से मेरी ये विनती है कि वो समाज में बहकाए हुए जितने भी पंथ हैं उनके विषय में, उनके बारे में जानकारी लें कि वो सत्य क्या है, असत्य क्या है। क्योंकि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, अगर हिंदू को जानना है तो हिंदू को नहीं देखिए, उनके धार्मिक ग्रंथ को देखिए, अगर ईसाई को जानना है तो उनके धार्मिक ग्रंथ को देखिए। जो हमारे ग्रंथ हैं वो बिल्कुल पुराने हैं, सनातन धर्म के हैं, जब आदिकाल थी उस समय से आए हुए हैं। तो हमारे धर्म बताते हैं कि वेद हमारे भेद हैं, ये सारे लोग जानते हैं। मनुष्य जीवन एक बहुत दुर्लभ जीवन है, ये पता नहीं अगले जीवन में आएगा कि नहीं आएगा, हम अगले योनि में किस योनि में जाएंगे, किस योनि से आए ये पता नहीं है। सो अपने मनुष्य जीवन को मेरे विचार से आप लोग को जो है ना वेस्ट, किसी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो एक बार अगर मनुष्य जीवन मिला है, ये वो समय है, परमात्मा के रूप में गुरु जी इस धरती पर मौजूद है, हम लोग भी मानव शरीर में इस धरती पर मौजूद है, तो इस मानव शरीर को वेस्ट ना करें। सो मेरा यही विनती है मानव समाज से, और अपने परख से गुरु करें, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का बहुत आसान तरीका है। इनका जो है ना प्रोग्राम हर एक दिन संध्या टीवी पर 7:30 बजे से आता है, ईश्वर टीवी पर आता है, और बहुत सारे चैनल जिस पर आते हैं, उसके नीचे में जो पंच लाइन होती है, जो येलो कलर की लाइन होती है, उस पर भी लिखी होती है। जो भी नंबर है, जहाँ से भी इंडिया के कोई स्थान पर हो या इंडिया के बाहर भी हैं, जो जिनके यहाँ केवल आजकल तो नेट का सिस्टम है, तो सारे जगह ये मौजूद है। वहाँ से अगर वो किसी नंबर पर भी डायल करते हैं तो वहाँ से
उनको जो है ना उनके बगल में जो भी नामदान केंद्र है वहाँ से उनको जो है ना वो सब कुछ जो है ना साधन उपलब्ध कराया जाता है और नामदान दे दिया जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। धन्यवाद सर। धन्यवाद।